मूवी देखने जाते हो तो हमेशा ट्रेलर देख के जाते हो, कभी भी मूवी बिना ट्रेलर देखने नहीं जाते हो कि भाई इसका ट्रेलर देख लो प्लीज पता तो इसमें क्या होने वाला है। तो सेम गोज़ ऑन विद योर चैप्टर, भाई जब चैप्टर पढ़ना है तो पहले इसका ट्रेलर तो देखा होना चाहिए। ट्रेलर कैसे? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिद्धानी। तो ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें करना है अपना सिलेबस कंप्लीट, ये वीडियो है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट। आज मैं तुम्हें एक निंजा टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप अपना सिलेबस के चैप्टर्स जो है वो जल्दी और इजीली कंप्लीट कर सकते हो। देखो, एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी चीज होती है सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस कब कंप्लीट होगा भाई, जब तुम अपने चैप्टर्स को पढ़ के कंप्लीट कर दोगे। तो आज ये मेन ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अपने सिलेबस के हर एक चैप्टर में इसे यूज कर सकते हो और जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। देखो गाइस, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th मेरे पास ना ज़्यादातर सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। मेरे पास पॉलिटिकल था, मेरे पास हिस्ट्री थी, मेरे पास इंग्लिश था, साइकोलॉजी थी, एंड मेरे जो है साइकोलॉजी में 100 out of 100 आए थे। वो बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता था, काफ़ी कुछ लर्निंग करनी होती थी, तो मैं काफ़ी बार एक ट्रिक को अपनाती थी जिससे मैं ना हर एक चैप्टर को ईजिली समझ लेती थी। तो आज मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उससे मेरे को ये होता था कि चैप्टर ना काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बताई जाए ये ट्रिक, और जिससे तुम करो अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट और चैप्टर पे ब्लू टिक, ठीक है। ब्लू टिक मतलब कि भाई चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो करना क्या है आप लोगों को, कई बार हमारी स्कूल लाइफ में ऐसे होता है चैप्टर अगर हमें खत्म करना है, आप 10th में हो, आप 12th में हो, आप 9th में, 11th में, कोई भी बच्चे हो आप, स्पेशली 10th 12th के बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते नहीं है भैया, एनसीईआरटी पढ़ने की जो है हमें इतनी आदत नहीं होती है। तो मैं कई बार अपनी वीडियो ऐसे बनाती हूँ जब मैं जो जो चैप्टर सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ अपने चैनल पर, मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो दिक्कत की बात नहीं। मैं खुद कहती हूँ मेरे चैप्टर से पढ़े उस वीडियो को, तो भैया वीडियो से पढ़े चैप्टर को, तो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी तो डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वॉन्ट कि फिर भी आप एनसीईआरटी जरूर रीड करो, या आप चैप्टर जब पढ़ो तो उसे बेहतरीन वे में पढ़ो। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप एनसीईआरटी को, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइनें रीड करनी है। अगर मैं आपको कह दूँ भैया हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक हो गए, नहीं दीदी इतना टाइम नहीं है, हमारे भी इतना टाइम नहीं होता, अभी नहीं है, अभी एग्जाम आने वाले, अभी यूनिट टेस्ट है, ऐसे ऐसे हमारे बहाने होते रहते हैं। जब आप इस टेक्निक से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल को एनसीईआरटी की फुल रीडिंग करने का भी टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए अपने चैप्टर को अच्छे से ईजिली और जल्दी कंप्लीट करने के लिए, वो है अपनी अपनी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो ज़रूर से चाहिए, और जो बच्चे के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं आप एक जगह पर अपने सभी चैप्टर्स को लिखो और उन सब पे इन टेक्निक्स को यूज़ करना, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये सही से जाएंगी, ठीक है। क्या करना है आपको, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधा वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हमें लगता है हमें चैप्टर आ गया और हम कहते हैं ये वाला चैप्टर खत्म, दूसरे पे मूव करते हैं। बट नहीं गाइस, यहाँ आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आपने बस वीडियो देखी है और उसको एक बार ही समझा है, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, बस आपने सुना है कि हाँ ये पूरा चैप्टर है। उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक पहुँचाने के लिए, जिससे कि आपने जो आज वो चैप्टर समझ लिया है वो फाइनल एग्जाम तक याद रहे, आप उसके क्वेश्चन लिख पाओ। बोर्ड एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर बना के लिखना है। सुनी हुई बातों का कुछ काम नहीं होगा, समझी हुई चीज़ों का कुछ काम नहीं होगा जब तक आप रिटन प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। तो अब आगे से आपको जब भी पढ़ना है तो सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले आपको ये स्टेप करना है, अगर चैप्टर अच्छे से समझना है, फर्स्ट थिंग इज आप एनसीईआरटी लेकर आएंगे और एक डायरी ले आना अपने लिए, ठीक है। एक डायरी रखो अपने साथ में, या जो भी एसएसटी पढ़े हो तो एसएसटी का रजिस्टर, इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश पढ़ो, उसका एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना, और आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी बुक चाहिए। सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले क्या करना है, वो वाला चैप्टर की एनसीईआरटी को ओपन करना है, और यू हैव टू रीड ऑल द हेडिंग्स। आपको चैप्टर का नाम पढ़ के, जो ब्लू ब्लू कलर से हेडिंग लिखी होती है, एक ब्लू कलर से मेन हेडिंग लिखी होती है, रेड से स्मॉल हेडिंग, वैसे इतनी रंगीन होती नहीं हमारी एनसीईआरटी, बट फिर भी पिक्चर विक्चर इतनी नहीं होती, बट जो भी आपको दिखे इतनी हेडिंग है, जैसे एसएसटी का चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया, फिर ये ब्रिटेन का बता रखा है, फिर ये ऐसे बता रखा है, सारी हेडिंग पढ़ी। या मतलब कि अगर साइंस का भी कोई चैप्टर है तो उसमें भी आपने देखा कि अच्छा ये हेडिंग है, पहले ये कॉन्सेप्ट है, फिर ये कॉन्सेप्ट है, फिर ये कॉन्सेप्ट है, फिर ये कॉन्सेप्ट है, फिर ये कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े हो तो आपको समझना है, इंडियन इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस स्टेज देखी, यहाँ उसके बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या पॉलिसीज लगी, और ये इफेक्ट था, ये इफेक्ट था, ऐसे आपको सारी की सारी हेडिंग्स को रीड करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है आपको, एक बार आप लोगों को चैप्टर के जो है ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है, समरी पढ़ लेना। मेरे चैनल पर बहुत सारी समरी वीडियोस भी गिवन है, मैं नोट्स भी अपलोड करती रहती हूँ, तो इंग्लिश में समरी पढ़ सकते हो, उससे काम हो जाएगा। उसकी ऑल द हेडिंग्स,
हेडिंग्स देखने के बाद, जैसे आपने SST में स्पेशली ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, थ्योरेटिकल हर एक सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स आपने इंडो बायोप्रायरिटी देखा, पहली हेडिंग सोवियत यूनियन क्या है, दूसरी हेडिंग आ गई गॉर्बचोव डिसइंटीग्रेशन, तीसरी हेडिंग आ गई उसकी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, चौथी हेडिंग डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको सभी हेडिंग्स को प्रॉपरली रीड कर लेना है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं पॉलिटिकल का बता रही थी, ठीक है, तो सभी हेडिंग्स को रीड करना है। इस हेडिंग को रीड करने से क्या होगा गाइस, आपको समझ आएगा चैप्टर में हो क्या रहा है। वीडियो देखते होगे जब आप, तो आपको पता होगा अच्छा इसके बाद ये अलग कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप ये हर ट्रिक में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जब आप मूवी देखने जाते हो तो हमेशा ट्रेलर देख के जाते हो, कभी भी मूवी बिना ट्रेलर देखने के जाते हो कि भाई इसका ट्रेलर देख लो, एटलीस्ट पता तो इसमें क्या होने वाला है। तो सेम गोज ऑन विद योर चैप्टर भाई, जब चैप्टर पढ़ना है तो पहले उसका ट्रेलर तो देखा होना चाहिए। और ट्रेलर कैसे देखोगे, आप उसकी हेडिंग्स को देखोगे, आप समझोगे कि इस चैप्टर में ये होने वाला है। तो तभी तो जो है आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल अब मूवी की स्टोरी की तरह है। मूवी होती है ना, तो अगर मैं आपको मूवी देख के आया और मैं पूछूं भाई उस मूवी में क्या हुआ, तो आप बताओगे अरे कुछ नहीं, वो ऐसे वो लड़का था, वो लड़की थी, वो मिले, उनकी शादी हो गई, मूवी एंड। ऐसे ही कुछ होता है मूवीज में ज़्यादातर, ठीक है। और कोई ठीक है, अब वो सुपर हीरो वाली मूवी थी, वो प्रॉब्लम आ गई थी, वर्ल्ड डेंजर में था, देन वो सुपर हीरो आते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी वो एट दी एंड दे सेव द वर्ल्ड। ऐसे कुछ करके आप एक ओवरव्यू देते हो मूवी का, ठीक है। तो वही ओवरव्यू आपको अपने चैप्टर का देखना है। आपके दिमाग में सीरीज चल रही हो, अगर आपके सामने वीडियो चल रही हो और पहला टॉपिक चल रहा है, तो आपको पता हो कि इसके बाद ये टॉपिक आएगा, इसके बाद ये टॉपिक आएगा, इसके बाद ये टॉपिक, इसके टॉपिक ये आएगा, तभी चैप्टर जल्दी और इजीली आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स, और देखने के बाद हेडिंग्स को एक थोड़ा सा आपको कष्ट करना होगा अपने लिए। लिखने की थोड़ी आदत डाल लीजिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, एग्जाम में लिखना होगा। कई बच्चों की तो राइटिंग स्पीड इतनी स्लो होती है कि पेपर छूट जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको जो है एक पेपर लेना है, रजिस्टर लेना है, ब्लू पेन लाओ, ब्लैक पेन लाओ, जो पेन इधर उधर तुम्हें कहीं दिखे वो लीजिए, और आपको हर एक हेडिंग को यहाँ पे लिख लेना है। छह हेडिंग है तो छह हेडिंग लिख लेना पूरी, देख के चीटिंग करके लिख लेना कोई बात नहीं। मेरा मकसद है कि चैप्टर दिमाग में बसाना है मुझे आपके। मैं चाहती हूँ जो चैप्टर आप पढ़ो वो ईजिली आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो आपको ये करना है। तो आपको हेडिंग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू हेडिंग, जिससे आपको पता हो चैप्टर में क्या होएगा। वीडियो देखने से पहले ही आप देख लोगे, और उसके बाद जो है उस रजिस्टर के अंदर आपको उन हेडिंग्स को लिख लेना है, ठीक है। देन यू विल वॉच द वीडियो, फिर देखो वीडियो, उसके बाद आपको वन शॉट एक्सप्लेनेशन हो, वो ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा, आप कहोगे वाह यार बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया, कोई क्वेरी नहीं रहेगी, और अच्छे से आपके माइंड में वो चीज़ें ग्रैस्प होती रहेंगी। और एक चीज़ आप और कर सकते हो कि जब आप वीडियो देख रहे हो कि आपके सामने रजिस्टर तो हो गई जहाँ पे हेडिंग लिखी है, अब आप अपनी इस वीडियो में से जब भी आपको कोई मैम, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ ये वन मार्कर है लिख लो, याद है ना, मैं हमेशा बताती हूँ ये वन मार्कर है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, प्री बोर्ड में आ सकता है। मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आपके टीचर जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में ये कहा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टीचर्स बोलते हैं मुझसे ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज़ लिखनी है। या टीचर के पढ़ाते हुए में आपको जो वीडियो में से कोई एक चीज़ है ये समझ में नहीं आ रही, तो उसको कॉपी डाउन कर लिया, हमेशा नोट्स चल रहे होते हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो उसको लिख लिया, कॉपी कर लिया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये मेरी प्रॉब्लम थी, इसे मैं बाद में सॉल्व करूँगा, और क्या पता आप लिख लो तो वो आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट गो थ्रू द हेडिंग्स, देन राइट डाउन द हेडिंग्स, देन वॉच द वीडियो, और वीडियो देखते समय आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करती रहनी है। वो जो आप कहते हो ना दीदी सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, सेल्फ शॉर्ट नोट्स, ये सेल्फ शॉर्ट नोट्स ही रेडी हो जाएंगे। हर एक हेडिंग लिख रखी है चैप्टर के हर एक पॉइंट की, और उसका सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल लिख दिया। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा, तो जब बोर्ड पे चल रहा होगा मैं समझा रही हूँ, तो पूरी उसकी टाइमलाइन बना के लिख ली। पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सिक्वेंसेस और शॉक थेरेपी है, तो ठीक है भैया जो है जो राजेश गैरेज सेल हुई थी, रशियन की रूबल की करेंसी गिर गई थी, ऐसे ऐसे चार पॉइंट बना के आपने लिख लिए, शॉर्ट नोट्स भी बन गए, रिविजन भी होगी, लॉन्ग टर्म तक चीज़ें पहुँचने लगेगी। नेक्स्ट चीज़ एक क्या होगी जब आप ऐसे करोगे, आपका ध्यान कहीं नहीं, क्यों हम चैप्टर नहीं पढ़ पाते, क्यों हम चैप्टर कंप्लीट नहीं, हमारा ध्यान नहीं होता है पढ़ते हुए। सबसे बड़ा ये डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, दीदी प्रोकास्टिनेशन, क्यों ध्यान भटकता है, मन नहीं करता, चलो कल पढ़ लेंगे चैप्टर का, अभी तो वीडियो देखते हैं, अभी तो एक आध रील देखेंगे, ठीक है उसके बाद अरे यार अभी तो रील देखनी है, अभी तो स्टोरी लगाने का टाइम है। फिर ऐसा होता है ना भाई, हमें वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ये चैप्टर कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है स्टोरी अपडेट करना, तो वो चीज़ नहीं लगेगी जब आप थोड़ा ध्यान से पढ़े होगे ना। जब ध्यान भटकेगा नहीं तो इसमें भी इंटरेस्ट बिल्ड होगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को NCERT को ऐसे में अभी रीड करने को नहीं कहना चाहिए, नहीं, NCERT की लाइंस देखिए, और जब चैप्टर चल रहा है आपकी वीडियो में सामने तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे साथ में, तो आप बोर नहीं होगे, ठीक है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा अच्छा ठीक है आप सामने बैठ के पढ़ो अच्छे से। स्कूल में भी, क्लास में भी, ट्यूशन में भी आप हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है नोट्स बनाने में, बड़े बड़े शॉर्ट नोट्स अपने आप रेडी हो जाएंगे।
जब आप ऐसा कर लोगे आपका चैप्टर का जो सॉलिड फाउंडेशन है वो रेडी हो चुकी होगी, आपको चैप्टर का एक वो पता है, वो जो ट्रेलर चलने वाला है उसमें आपको पता है सीरीज़ क्या होगी, ये वाला ऐसे हुआ, फिर ये कॉन्सेप्ट, फिर ये कॉन्सेप्ट, फिर ये कॉन्सेप्ट, आपको पता है पूरी पिक्चर कैसे चलेगी आपके चैप्टर की। फिर आपने उसको लिख भी लिया एक बारी, उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप लिख चुके हो, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, आप सुनना टीचर कहेंगे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को ही वहाँ पे कॉपी डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है। फिर आप वीडियो देखोगे तो एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और जो है आपका एक छोटे से नोट्स टाइप भी बन चुके होंगे। जब आप ऐसा कर लोगे आप एक घंटे का ब्रेक लो, 15-20 मिनट 25 मिनट जितना हो सके ब्रेक लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक घंटा कह रही हूँ, इससे नहीं कि उससे ज़्यादा कि चल भाई कल पढ़ेंगे, नहीं, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट करो उसी के बाद आपको कोशिश करना कि आपको ये स्टेप नंबर 4 और 5 को भी जो है प्रैक्टिस करना है। स्टेप नंबर 4 होगा आपको आपको उस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने। अब आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई गाइड होगी, गाइड नहीं है तो मैं अपने चैनल पे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती हूँ, इंग्लिश इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, 10th की SST पढ़ाती हूँ, 10th इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ाती हूँ मैंने सबके शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है, 1 वर्ड भी है, MCQ भी है, तो आप वीडियोस देख लेना अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट की बात करो जो मैं पढ़ाती हूँ। बाकी आप अपने फेवरेट टीचर्स के चैनल पे जाके देखो कोई शॉर्ट क्वेश्चन गिवन हो तो, और शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो से नहीं देखने हैं तो कुछ और रिफ्रेश हो, जैसे इंग्लिश है इंग्लिश की गाइड हुई, या फिर SST की गाइड हुई, साइंस है साइंस की गाइड हुई, तो उनमें से उस पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे आपने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा तो लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें रीड करो। आपने लास्ट लेसन पढ़ा, लास्ट लेसन के तो चलो वो इंग्लिश की तो तुम टेंशन मत लो, वो तो मैं तुम्हें करवाई दूंगी, जैसे जो लेंदी सब्जेक्ट हो गए बहुत ज़्यादा, जैसे SST में आप सोच लो राइज ऑन एसम यूरोप पे आपने गाइड ली, गाइड में से आपने उस चैप्टर को जब वीडियो में से देख लिया, इवन आप किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रिक को यूज़ करते हो, कर सकते हो, साइंस में भी कर सकते हो कि आपने वो चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ा उसके बाद गाइड में से उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने शुरू करना, गाइड में से 50-25 शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना उन्हें पढ़ना, एग्जैक्टली 10-15-20-25 मिनट के ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ना, आपको बेहतरीन वे में वो समझ आएंगे। कोशिश करना कि ये जो रजिस्टर बना है इसमें एक आध लिख भी लेना शॉर्ट क्वेश्चन, आपके बढ़िया नोट्स और तैयार हो गए। तो इससे क्या हुआ, आपने चैप्टर पढ़ा और चैप्टर के क्वेश्चन, जैसे जैसे ही आप मूवी देख कर आते हो तो बाहर आके पिक्चर को डिस्कस करते हो, भाई वो देख क्या हुआ था उसमें, वो तो पिक्चर में ऐसे हुआ था, ये वो वाला सीन तेरे को याद है जब वो एंट्री हुई थी सुपर हीरो की, ठीक है वो कैसे अब आए थे ऐसे उड़ के, ये ऐसे हम बात करते हैं ना, ठीक है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, विलन जो भी था बुरा तो लगा उसके मरने पे, ऐसी हम बातें करते हैं, हम पिक्चर देख के आते हैं, तो वो बातें आपको अपने चैप्टर के साथ करनी है। वो बातें कैसे होंगी, जब आप पूरी की पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे, उसके बाद में आप जो है रीड शॉर्ट क्वेश्चन, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो वही शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू वो वीडियो, वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वो चैप्टर की पिक्चर आपके दिमाग में रिपीट हो जाएगी। जब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लोगे आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे राइज ऑन एसिज्म इन यूरोप आपकी आपने हेडलाइन लिखी थी, वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन रीड कर लिया, एंड आफ्टर दैट ये लास्ट स्टेप है और ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, ये कर लिया तो चैप्टर खल्लास बिल्कुल एकदम, वो है आपको उस चैप्टर के 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड होंगे, आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गाइड में मिल सकते हैं, रिफ्रेशर में मिल सकते हैं, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के जो जो मैं पढ़ाती हूँ, या फिर जो भी आप अपने टीचर्स की वीडियोस देखो, जो 5 लॉन्ग आंसर जो सबसे रिपीटेड होंगे उन्हें सॉल्व कर देना, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए आप कहोगे दीदी लर्न करें फिर सॉल्व करें, नहीं, उनको पढ़ना, उन क्वेश्चन को कॉपी में लिखना और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत आपसे सॉल्व होगा, थोड़ा बहुत देख भी लेना गाइड में आंसर गिवन है, या NCERT बुक खोली, इसका आंसर अच्छा यहाँ पे मार्क है, मैम ने मार्क करा रखा है इसका आंसर, चाहे उसको थोड़ा सा देख के लिख लेना 5 क्वेश्चन, चाहे चीटिंग करके सही आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है, समझ लो। जैसे जो भी चैप्टर है आपका, साइंस का है, SST का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर के शॉर्ट आंसर तो पढ़ने थे, 5 लॉन्ग आंसर जो बहुत रिपीट होते हों वो लिख लेना एक बार, ठीक है, चाहे वो आप 5 की जगह 4 कर लो किसी दिन मन नहीं है तो, बट यस मेहनत करने के लिए तो है गाइस, हम मेहनत करेंगे, नंबर लाएंगे, मेहनत से क्या डरना है, ठीक है। तो 5-4 जितना आपसे हो सके आपको, चाहे चीटिंग करके लिखो, चाहे लर्न करके कोशिश करना, अपने आप रीड करना, समझना, अपनी लैंग्वेज बना के लिखना, तो आपको वो 5 लॉन्ग आंसर करने हैं, 4 करने हैं मोस्ट रिपीटेड वाले, और यहाँ चैप्टर एकदम खल्लास बढ़िया तरीके से, इसके बाद वो चैप्टर यहाँ लॉन्ग टर्म में पहुँच जाएगा, भूलोगे कभी नहीं, चाहे फाइनल हो जाए या अगले साल तक भी नहीं भूलोगे, बूढ़े हो जाओगे तो अपने पोते पोतियों को कहोगे आओ मैं तुम्हें चैप्टर बताता हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैं समझाता हूँ तुम्हें इंग्लिश का लास्ट लेसन क्या है ये मैं बताता हूँ तुम्हारे को, अगर ऐसी वाली मेमोरी बनानी है, अगर ऐसा वाला आपको चैप्टर को कंप्लीट है तो फॉलो दी स्टेप्स,
हेडिंग देखेंगे आप। अब ये प्रैक्टिकली जब एक बार इसको आप ट्राई करोगे तब आपको इसको प्रूफ मिल जाएगा कि चैप्टर फिर बिल्कुल ना ऐसा सॉलिड बन जाएगा दिमाग में। ऐसा नहीं लगेगा दो दिन बाद बहुत क्वेरी आती है जो पढ़ा था वो भूल गए, तब नहीं होने का। भाई भूल गए लग रहा होगा तो शॉर्ट नोट्स वाला रजिस्टर लिख के एक बार रिविजन कर लेना, भूल गए लग रहा होगा तो जो शॉर्ट क्वेश्चन थे गाइड में से उनको देख लेना, भूल गए होगे लग रहा होगा तो भैया वो पाँच जो लॉन्ग आंसर पढ़े हैं ना उन्हीं को कभी चलते फिरते देख लेना, वो वापस से सारे दिमाग में आ जाएंगे। और जो रिटन प्रैक्टिस हो चुकी होगी, बहुत क्वेरी आती है दीदी एग्जाम में आंसर बना के लिखने नहीं आते, हमें हिंदी में पता है अपने दिमाग में इंग्लिश में नहीं लिख पाते, तो भाई प्रैक्टिस तो अभी करने का समय है। तो ये जो पांच लॉन्ग आंसर आप लिख लेंगे वो आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस वे में आपको हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है इजीली और जल्दी। तो ये थी हमारी टेक्निक, वट एवर यू कैन से, चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, जिससे आपको एनसीईआरटी रीड बिना करे भी चैप्टर इजीली जो है बिना टाइम कंज्यूमिंग में कंप्लीट होगा और आप बोर भी नहीं होगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद दिस। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।